हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज हम सब अनौपचारिक पत्र लेखन में धन्यवाद पत्र लिखना सीखने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब अनौपचारिक पत्र लेखन सीखेंगे। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्रों में बहुत सारे प्रकार होते हैं। उन्हीं में से एक प्रकार हमारा जो होता है वह होता है धन्यवाद पत्र। धन्यवाद आप कब देते हैं? जब आप आपकी कोई मदद किया हो या कोई उपहार इत्यादि मिला हो, तो वहां पे जो पत्र लिखे जाते हैं वो धन्यवाद पत्र होते हैं। यह अनौपचारिक पत्रों में से एक होता है। अब आइए प्रश्न को देखें। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, दिनेश दिव्या विश्वकर्मा दो सौ एक राजीव महल शास्त्री रोड परभनी से अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखता है या धन्यवाद देते हुए पत्र लिखता है। धन्यवाद देते हुए पत्र लिखता है। लिखती है। यह क्या हुए? पत्र लिखने वाले हुए। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं कुछ चीजें। मैं फिर से रिमाइंड आपको करा दूं कि हमें कुछ एक चीजें देखनी होती हैं कभी भी पत्र लेखन के समय में। पहली चीज अनौपचारिक पत्र लेखन में पहली चीज हमें देखना चाहिए अनौपचारिक पत्र में, पत्र लिखने वाले का नाम, वह आपको कहां मिल रहा है। अब यहां पे देखेंगे पत्र लिखने वाला जहां पे से आया होगा उसके पहले जो नाम होगा वह पत्र लिखने वाले का, दिनेश दिव्या विश्वकर्मा। दूसरी बात, इसी का पत्र लिखने वाले का हमें पता देखना चाहिए। वह भी देखेंगे तो से के पहले जो आया है वहां पे, तो 201 राजीव महल शास्त्री रोड परभणी से के पहले आए हैं, ये पत्र लिखने वाले का पता हो गया। तीसरी बात हमें देखनी चाहिए, पत्र पाने वाले का नाम अगर दिया है तो, अगर नाम दिया है तो, नहीं दिया है तो हमें वहां पे अपने मन से एक कल्पनात्मक नाम रखना पड़ेगा। ठीक है, नाम व संबंध जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम क्या है और उससे हमारा संबंध, हमारा रिश्ता क्या है, यह देखना चाहिए। चौथी बात, हमें विषय देखना चाहिए। अब यहां पे देखेंगे तो नाम व संबंध कहां मिलेगा आपको,
वह से के बाद आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मित्र द्वारा, तो मित्र का यहाँ नाम आ सकता था तो वह नहीं आया हुआ है, और यहाँ पे मित्र संबंध आपको मिल गया। पत्र लिखने का कारण यानी विषय, किस लिए पत्र लिखा गया, जिसे विषय कहते हैं आप, कारण क्या है, वह उसी के आगे आपको मिलेगा पत्र के पहले, तो यहाँ पे मिला हुआ है। आइए इस पत्र को लिख करके हम लोग देखते हैं कि पत्र को कैसे इसको पूरा किया जा सकता है। पत्र लेखन करते समय ध्यान में रखें, अपने प्रश्न को ध्यान से आप पढ़ते हुए तब आप पत्र लिखें, तभी बेहतर होगा उत्तर। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि अनौपचारिक पत्रों में सबसे पहले दिनांक आता है, तो यहाँ पे दिनांक आप डाल दीजिए। जैसे आज की मैं डेट डालूं, आज 26 जनवरी है, तो हम 26/11 ऐसा भी लिख सकते हैं, 26 जनवरी ऐसा भी लिख सकते, 26/1 ऐसा भी लिख सकते हैं, 26 जनवरी भी लिख सकते हैं। तो मैंने सीधा लिखा 26/1/2021। अब एक की जगह पे आप जनवरी लिख सकते हैं। इसके बाद एक पंक्ति आपको छोड़नी है, पत्र पाने वाले का ईमेल पता लिखना है। अब आपके प्रश्न में तो पत्र पाने वाले का नाम नहीं दिया है, ईमेल पता कैसे करेंगे, आपको अपने मन से मैंने कहा काल्पनिक नाम सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे केवल लिख दिया है जन्मदिन पर मित्र द्वारा, अपने मित्र द्वारा, तो वहां पे मित्र का नाम सोच करके उसका ईमेल आईडी हम लोग बनाएंगे। तो ईमेल आईडी मान लेते हैं कि वह जो है उसका नाम है राहुल, तो यहाँ पे अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में rahul@gmail.com यह हम लोगों ने जो है लिखा, जिसका जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी हमने लिख दिया। इसके बाद में एक पंक्ति छोड़ करके संबोधन, यानी जिस तरह से आप उसे संबोधित करते हैं, जैसे पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, यह संबोधन हुआ आपका। तो मित्र है तो यहाँ पे प्रिय मित्र उसका नाम चाहे तो लिख सकते हैं, प्रिय मित्र राहुल, अल्प विराम लगाइए। इसके बाद में आपको उसी के ठीक नीचे वाली पंक्ति में अभिवादन लिखना होता है। अभिवादन मतलब उस व्यक्ति के सम्मान सूचक शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह, जैसे प्रणाम हो गया, नमस्कार हो गया। तो यहाँ पे बराबर वाला होता है, मित्र जो है वो बराबर का संबंध है, तो यहाँ पे हम लिखने वाले क्या है, प्रिय मित्र राहुल सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्कार, और उसके बाद पूर्ण विराम लगाने वाले हैं। अब इसके आगे फिर से एक पंक्ति छोड़ करके पहला पैराग्राफ शुरू करेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं पहले पैराग्राफ में पत्र लिखने वाला अपने कुशल क्षेम को, अपने हालचाल को लिखता है, वही बात हम भी यहाँ पे लिखने वाले हैं। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूं, आशा करता हूं कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे नहीं, कुशल पूर्वक होंगे। अब उसके बाद में यह आपका क्या हो गया, यह आपका पहला पैराग्राफ हो गया जहाँ पे आपने कुशल पूर्वक क्षेम पूछ ली। अब इसके बाद एक पंक्ति छोड़िए, मुख्य बात दूसरे पैराग्राफ में, पत्र जिस कारण से आपने लिखा है, किस कारण से लिखा है, कि आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपके मित्र ने आपको भेंट दिया था, उपहार दिया था, जो गिफ्ट भेजा था उसी के लिए थैंक यू बोलना है, तो उसी चीज को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। पिछले महीने की
25 तारीख को मेरा जन्मदिन था। मेरे जन्मदिन के कार्यक्रम में सभी मित्र, अब कौन कौन सम्मिलित हुआ था, कब जन्मदिन था, उसका उल्लेख आप शुरुआत में कीजिए। सभी मित्र सम्मिलित हुए थे। सभी ने अभी क्या किया, सभी लोगों ने, वह लिखना आपको। अब कार्यक्रम था, समारोह था, फंक्शन था, तो सभी ने क्या किया होगा, आनंद लिया होगा, उसका उल्लेख आप कर दीजिए। सभी मित्रों ने कार्यक्रम का खूब आनंद लिया। सभी लोगों ने मुझे जन्मदिन के अवसर पर, जन्मदिन की बधाई दी और कुछ न कुछ उपहार में भेंट स्वरूप दिया। कुछ न कुछ उपहार भी दिया, उपहार भी दिया। अब यहां पे जो जन्मदिन इत्यादि में होता है, ध्यान रखें कि एकदम नॉर्मल वे में आप लिखिए, वहां पे बनावट जैसे शब्दों का प्रयोग न कीजिए, क्योंकि अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो रिश्ते संबंधों को बताते हैं। तो सीधा सीधी सी बात, जैसा कार्यक्रम घटित हुआ था, जो कुछ होने वाला था या हुआ था, उसी का उल्लेख सीधे तौर पर आप कीजिए। इस सभी मित्रों ने जन्मदिन के अवसर पर जन्मदिन की बधाई दी और कुछ न कुछ उपहार भी दिया। अब आगे जिसलिए आप पत्र लिख रहे हैं, आपके द्वारा भेजा गया उपहार, अब भेजा गया मैंने लिखा, यहां पे आप दिया गया भी लिख सकते हैं, वह भी करेक्ट है, दोनों लिख सकते हैं आप, इसी कोई बात नहीं है। भेजा गया भी करेक्ट है, दिया गया भी करेक्ट है, तो वहां पे आप दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ एक बच्चों को डाउट ना हो, इसलिए मैं दिया गया ही कर दे रहा हूं। आपके द्वारा दिया गया उपहार मुझे बहुत पसंद आया, पसंद आया। मैंने सोचा कि मुझे अपने सभी मित्रों को उनके द्वारा दिए गए उपहार के लिए धन्यवाद देना चाहिए,
देना चाहिए। मित्र तुम्हारे द्वारा दिया गया उपहार मेरे लिए अमूल्य है। मैं तुम्हें अनमोल उपहार देने के लिए धन्यवाद देता हूं। एकदम साधारण शब्दों में लिखिए, ध्यान रखिए, कभी भी लेखन का उपयोजित लेखन का काम बनावट से नहीं, सामान्य शब्दों से कीजिए। अनमोल उपहार के लिए धन्यवाद देता हूं। तुम्हारे माता पिता को, अब यहां पे क्या करिए, जब मुख्य बात हो जाए तो उसके बाद उसके परिवार के जो भी बड़े छोटे हैं उन सबको याद कर लीजिए, उन सब की बात कर लीजिए, उनकी चर्चा कर लीजिए। तो वही चीज, तुम्हारे माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहना, कहना तथा छोटे भाई बहनों को मेरा, उसी के नीचे कंटिन्यू, मेरा प्यार देना। आप जानते हैं अनौपचारिक पत्र केवल दो पैराग्राफ का होता है, तो दो पैराग्राफ में समेटना होता है। प्यार देना, खूब मन लगाकर आने वाली परीक्षा की तैयारी करना। एक मित्र अपने मित्र को खूब अच्छे से समझा सकता है, आप जानते हैं, उसी की चर्चा आप करिए। मन लगाकर आने वाली परीक्षा की तैयारी करना, मुझे तुम्हारे पत्र का इंतजार रहेगा। अब यहां पे दूसरा पैराग्राफ हमारा पूरा हो गया। अब यहां से एक पंक्ति हम लोग छोड़ेंगे, दूसरे पैराग्राफ में अनौपचारिक पत्र में मूल रूप से पत्र पूरा लिखा जाता है। अब इसके बाद तुम्हारा या तुम्हारी, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ करके हम लोग लिखेंगे, मार्जिन से सटा करके पूरा पत्र। में बार बार कहा, बोला हूं, बताया हूं कि मार्जिन से सटा के लेफ्ट साइड से लिख रहा है, तो यहाँ पे वही तुम्हारा प्रिय मित्र। अब उसके बाद जिसने पत्र लिखा हुआ है, आप देखेंगे पत्र किसने, लड़कों के लिए दिनेश विश्वकर्मा ने और लड़कियों के लिए दिव्या विश्वकर्मा ने। तो लड़कियां जब नाम लिखेंगी दिव्या विश्वकर्मा लिखेंगी, लड़के नाम लिखेंगे दिनेश विश्वकर्मा। अक्सर बच्चे अपने मन से नाम लिख देते हैं, या फिर लड़कियां लड़कों का, लड़के लड़कियों का नाम लिख देते हैं, वहां पे आपके मार्क्स कट जाया करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो प्रश्न को अपने साथ में रखिए आप, तो यहाँ पे लड़कों की तरफ से लिखते हैं, तो केवल नाम लिखना है, दिनेश
तुम्हारा प्रिय मित्र दिनेश। अब इसके बाद यहाँ अल्पविराम पूर्ण विराम कुछ नहीं लगाना है, एक पंक्ति छोड़नी है। अब इसका पूरा नाम है दिनेश विश्वकर्मा, वह लिख दीजिए। अब अल्पविराम लगाइए। अब जो पता यहाँ पे दिया है प्रश्न में, यह वाला पता ऐसे ही दो पंक्तियों में लिखने हैं, आइए लिख लेते हैं उसी को। 201 राजीव महल, राजीव महल एक पंक्ति हो गई। अगली पंक्ति में शास्त्रीय रोड और उसके बाद में परभनी। परभनी क्या है? शहर का नाम है, महाराष्ट्र का एक शहर है। पिन कोड नहीं दिया है तो नहीं लिखना है, अगर पिन कोड दिया होता तो यहाँ पे योजक चिन्ह डाल के पिन कोड लिखता और अंग्रेजी का पूर्ण विराम मैं डाल देता। अगर पिन कोड नहीं दिया है तो पिन कोड नहीं लिखेंगे, हिंदी का पूर्ण विराम लगा देंगे। अब उसके बाद में पत्र लिखने वाले का पता हो गया, उसके नीचे पत्र लिखने वाले का ईमेल पता है यहाँ पे, तो जो नाम है उसी से हम लोग बनाएंगे अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से, स्मॉल लेटर से, दिनेश @gmail.com। यह हम लोग का पत्र हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यह पत्र समझा होगा और निश्चित तौर पर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।